तो ये है फोन, और ये फोन है अभी का 2022 का, अभी फिलहाल में लॉन्च हुआ है, और ये फोन है हमारा 3 साल पहले का। तो ये दोनों फोन में कोई अंतर लग रहा है यार आपको? देखो, रियलमी 9 प्रो और रियलमी 9i का लुक एकदम सिमिलर है भाई के अंदर। चलो देखते हैं। अबे फट गया अभी ये तो। ये आ चुका है मेरा नया फोन, और ये है जो एक्सचेंज करने वाला हूँ मैं, MI A3। यहाँ पे 11,250 दिखा रहा है, बट एक्चुअल प्राइस है इसका 15,999, क्योंकि मैंने एक्सचेंज पे डाला हुआ है करके ये डिडक्ट होके यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। सो वेलकम टू माई ब्लॉग। और आज का दिन, आज का ब्लॉग आप लोगों को उम्मीद तो करता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है। आज एक्चुअली मैं आपको, मैं बताऊँगा ना, तो आज अभी जस्ट मैं अभी पहुँचा हूँ रायपुर से, 2 घंटे का ट्रैवलिंग करके। तो तभी थोड़ा अजीब सा लग भी रहूँगा मैं, और अभी फ़िलहाल में चल रहा है हमारा इप्पी नूडल ब्रेकफास्ट, और उसके बाद आज मेरी वाइफ के लिए मैं जो गिफ्ट परचेस किया हूँ Realme 9i, वो भी आने वाला है, बट मैं एक्सचेंज में लेने वाला हूँ फ़ोन। मैं यहाँ पे ये वाले फ़ोन को एक्सचेंज करूँगा MI A1, ठीक है, A3 है ये, MI A3 है। ये वाले फ़ोन को मैं एक्सचेंज करूँगा फ्लिपकार्ट में, तो देखेंगे क्या फीडबैक क्या रहता है, कि कैसा एक्सचेंज होता है, क्या पॉलिसी है उनका, दिक्कत तो नहीं होता है। और उसके बाद Realme 9i, मैं पहली बार Realme ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फ़ोन है ये वाला Realme का, बट उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत ही कम का है ये वाला फ़ोन, करीबन 8 या 9 हज़ार का ये वाला फ़ोन है, ठीक है। बाकी तीनों का तीनों MI का है, क्योंकि MI मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि आप MI का भले आप 4 हज़ार का भी फ़ोन ले लो, वो बाद में दिक्कत नहीं करता है। तो आज मैं पहली बार Realme का ट्राई करूंगा, वाइफ का फ़ोन है, मैं भी लेने वाला हूँ Realme 9 Pro Max, जो कल लॉन्च हुआ, बट प्राइस उम्मीद से बढ़कर है। बजट मेरा वैसे भी 30K तक है, बट Realme 9 Pro Max के लिए 30K ठीक नहीं रहेगा। तो चलो अभी फटाफट मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ मेरा इपी, उसके बाद जब भी आएगा फ्लिपकार्ट का डिलीवरी पर्सन, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कैसा रहता है एक्सपीरियंस आज का। तो हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। और एक बात और, जब मेरी वाइफ का बर्थडे है उसी दिन मेरी बहन का भी बर्थडे है, तो हमने और एक गिफ्ट भी खरीदा है, लिखा वाला डिब्बा, क्या घड़ी का नाम क्या है, Honor Band 6, ये वाला खरीदा, वो तो कल ही आ गया था ये वाला। और कहाँ पहनी है कि रख दी है, इसके अंदर ही है, लिखा क्यों रख दिया भाई। तो ये देखो ये वाला तो लगभग ठीक ठाक ही है, स्क्रीन काफ़ी बड़ा है, और अभी अभी लॉन्च हुआ है। मैंने जब लिया तब इसका प्राइस 2,999 था, बट अभी बढ़ गया है, कल मैं देख रहा था तो 3,999 हो चुका है, 1,000 एक दिन में बढ़ गए। तो ये मैंने ऑफ़र में लिया, 2 लिया था तो कम पड़े, और अभी ऑफ़र में अगर एक्चुअल प्राइस अगर आप देखो तो 6,000 है, जो कि अभी 50% ऑफ में है। उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, अगर आप लेना चाहोगे तो सीधे आप लिंक में, आपको सर्च करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा लिंक में आप क्लिक करो, पहुंच जाओगे, खरीद भी सकते हो आप, ऑफ़र भी आप देख लेना। तो ये हमने लिया, और आज फ़ोन भी आने वाला है, तो फ़ोन के लिए देखते हैं कब तक आएगा। ये फ़ोन के बारे में ना पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ, एक्सचेंज होगा, आएगा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है यार पूरा एंडिंग में आएगा, क्योंकि एक्सचेंज करने के टाइम में वो लोग काफ़ी कुछ चेक भी करते हैं। तो इसका मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, देखो यार फ़ोन एकदम नया का नया, दिखने में काफ़ी ताबड़तोड़ है, बट अभी अभी फ़िलहाल में फ़ोन बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बट अभी अभी क्या हुआ ना, गिर गया फ़ोन तो पूरा स्क्रीन ही ख़राब हो गया, तो पूरा चेंज करवाना पड़ गया। इसका जो स्क्रीन का MI A3 का एक्चुअल प्राइस है 5,500 रुपये का आता है, ठीक है। तो मैंने डुप्लीकेट लगाया, जो कि मेरे को कम तो नहीं 2,500 रुपये पड़ गया, जो कि बहुत होता है। अब 2,500 रुपये का मैंने लगा दिया, बट 2,500 रुपये का ऐसा तो नहीं है कि वारंटी वाला रहेगा, अगर आप कंपनी वाला लगाओगे तो 3 महीने का वारंटी देता है, ज़्यादा भी नहीं देता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, जब आप स्क्रीन लॉक करोगे ना फिंगर में, क्योंकि इसका अनलॉक सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये ओपन होता है, बट अभी मैंने क्या किया हुआ है, हमारा जो लेवल है वो पार करने के लिए, पास होने के लिए मैंने क्या किया है, पासवर्ड पूरा हटा दिया है, फॉर्मेट मार दिया है। वैसे तो फॉर्मेट मारना ही चाहिए, मारने के लिए खुद ही बोलते हैं कंपनी वाले, तो मैंने पासवर्ड ही हटा दिया है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो जब वो आएगा ना, चेक वेक करेगा ना, तो मेरे को लगता है यार वो फिंगर का तो मेरे को नहीं लगता कहीं पर चेक कर पाएगा, उसके लिए पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। तो मेरे को तो लगता है यार वो पकड़ ही नहीं पाएगा, अभी तक खाली वही ख़राबी है ये फ़ोन में, वो पकड़ लेगा ये पता चल जाएगा,
कि यार ये स्क्रीन डुप्लीकेट है। अगर वैसा अगर डिफेक्ट आता है ना, वो तभी आता है जब स्क्रीन डुप्लीकेट होता है। आपने आईफोन में भी देखा होगा, जब आप सेकेंड हैंड आईफोन वगैरह लेते हो ना कहीं पे शॉप लोगों में, तो वहाँ भी वही सिस्टम होता है। उनके फिंगर अनलॉक सिस्टम काम नहीं करते क्योंकि वहाँ पे आईफोन का डुप्लीकेट वाला स्क्रीन लगा रहता है। तो वही होता है, तभी उन लोग इतने कम रेट में देते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अब सोच रहा हूँ इसको आर पार कर दूँ, और नया फ़ोन मिल जाए तो अच्छी बात है। अब नहीं मिलेगा तो रख लूँगा यार ये वाला फ़ोन, 4,500 मिलेंगे। वैसे तो मैं लॉस में ही हूँ अभी फ़िलहाल में, बट देखते हैं, अगर हो जाएगा ले लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। दोनों में ठीक है मेरा। शायद फ़ोन आ चुका है। हेलो, हाँ जी, हाँ ये आप आ जाइए ना, मंगला मंदिर के बाजू में आ जाइए ना आप। उधर ही हूँ। ऐसा क्या, घर के नीचे हो क्या? घर देखे हो ना आप? हाँ आपका घर देखे हो। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ नीचे आता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने का फ़ोन। मैं अपने तरफ से पूरी तरह रेडी हूँ, पर देखते हैं कि वो पकड़ पाता है कि नहीं पाता है। और एक्सचेंज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है देखते हैं ना क्या होता है। चलो पहले तो वो भैया आ चुका है, चलो देखते हैं कैसा होता है एक्सचेंज का प्रोसीजर, कैसा होता है ये। मैं क्योंकि पहली बार करवा रहा हूँ एक्सचेंज, और आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि कैसा होता है, तो चलो देख लेते हैं। ये आ चुका है मेरा नया फ़ोन, और ये है जो एक्सचेंज करने वाला हूँ मैं, MI A3। फेंक दूँ इसको? फॉर्मेट कर दिया हूँ ना पूरा, ठीक ठीक, बाकी स्क्रैचेस कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं ना। चार्जिंग वगैरह ठीक है? चार्जिंग तो सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चेक करते हो आप चेक कर रहा हूं। वैसे भी ठीक, तो ये देखो आप, ये मेरा रियलमी का जो मैंने ऑर्डर किया था 9i, ये फ़ोन है। तो ये देखो आप, यहाँ पे 11,250 दिखा रहा है, बट एक्चुअल प्राइस है इसका 15,999, क्योंकि मैंने एक्सचेंज पे डाला हुआ है करके ये डिडक्ट होके यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो चलो इसको रख देता हूँ मैं साइड में अभी, नहीं तो यहीं पे रख देता हूँ, पेमेंट हुआ नहीं है अभी तक। हेलो, हाँ 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 है ना भैया, करा हूँ जी, आई पे ही करा आता हूँ। कहाँ हंसते यार, हाँ ठीक है पहुँचो समझिए। ठीक है ना, तो पेमेंट कर दूं मैं? कंट्रोल जो लॉक फक सब सब देख लो आप।
ये है रियलमी 9i। फाइनली चलो करते हैं हम इसको अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि फ़ोन कैसा दिखता है। और रियलमी को मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, मैं पूरी तरह आपको बताऊँगा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब फर्स्ट एक होता है ना क्या बोलते हैं यार फीलिंग कैसा आया रियलमी को देख के। अभी तो खाली देख के ही आपको बता पाऊँगा, बट चलाने के बाद एक वीडियो अलग से बना दूंगा रियलमी 9i के ऊपर। तो अभी तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये खुल चुका है डिब्बा और ये निकला हमारा। अब निकालेंगे कैसे, अटकते हैं साले को। तो यहाँ पे बिल देख लो, 15,999 रुपये 100 रुपये ले लिया, मतलब अपने को रिफंड हुआ है। यहाँ पे रिफंड तो नहीं भाई, अपना फ़ोन दे दिया हम लोग। MI A3 4,750 रुपये, 650 मान के चलो, 100 रुपये तो हमने दिया। अब इसको मैं काट फिट के खोलता हूँ यार इसको। तो ये खुल गया रियलमी 9i, जो कि बॉक्स काफ़ी प्यारा लग रहा है क्योंकि येलो कलर क्या होता है ना, थोड़ा एनहेंस लगता है यार, लुक काफ़ी अच्छा लगता है मेरे भी। बाकी जो चैनल के जो थंबनेल होता है ना, वो भी मैं येलो कलर का रखता हूँ क्योंकि वो दिखता बहुत ही तावड़ थोड़ा है। चलो ओपन करते हैं। सारा खर्चा बॉक्स में ही ना कर दिया हो रियलमी। यहाँ पे देख लो आप, स्नैपड्रैगन 680 दिया हुआ है, 5000 mAh का बैटरी दिया हुआ है, 33W का चार्जर दिया हुआ है और 50MP का AI ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है ना, तो ये क्या मतलब कुछ काम का है नहीं है वो तो आपको बाद में बताऊंगा, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं इसका। और जो हॉनर का जो मैंने आपको स्मार्ट बैंड जो आपको मैंने दिखाया, जो मैंने दोनों बहन के लिए जो मैंने ख़रीदा हुआ है, उस पर भी एक बना दूंगा वीडियो अगर आप बोलो तो। तो बैंड काफ़ी अच्छा लगा, मेरा भी एक स्मार्ट वॉच है तो वो तो काफ़ी पुराना ही लगा, क्योंकि यार अभी का जितना भी बैंड और स्मार्ट वॉच आ रहा है ना, वहाँ पे स्मार्ट फेसेस बहुत दिए हुए हैं। पहले के जितने स्मार्ट वॉच आते थे उसमें लिमिटेड स्मार्ट फेसेस वहाँ पे देते थे, बट अभी तो भाई अनलिमिटेड है यार, 100-200 दिए हुए हैं मैं देख रहा था। तो ये हो चुका है, खुल गया है, अब चलो यार निकाला जाए, निकल जा। कंट्रोल कंट्रोल निकल। अरे यार निकल ही नहीं रहा है यार। निकल गया। तो ये देख लो क्या दिया है यहाँ पे, ए ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। क्यों लिखता है भाई, सिंपल फ़ोन पकड़ा दो यार, यही पैसे कहीं और लगा दो यार। क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, चलो देखते हैं। अबे फट गया भाई ये तो, चलेगा। बाकी इतना है यार कि वो डिलीवरी बॉय बेचारा ले तो लिया भरोसा करके फ़ोन को। अब मेरे को पूछा भी कि फिंगर ये काम कर रहा है कि नहीं, तो मैंने तो हाँ बोला यार, सब कुछ काम कर रहा है, फिंगर वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये एक कवर आता है रियलमी का और काफ़ी अच्छा है। और अगर भैया अगर बोलेंगे ना, जो भैया आए थे वो तो काफ़ी टाइम आ चुके हैं और वो मे भी मेरा वीडियो भी देखते हैं, तो अगर वो बोलेंगे कि प्रॉब्लम है तुम्हारे स्क्रीन में, रिटर्न होगा, तो भाई रिटर्न मैं ले लूँगा फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी फ़्लिपकार्ट वालों को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मेरे को मालूम है कि फ़्लिपकार्ट वाले नहीं आने वाले दोबारा। तो ये देखो फ़ोन भाई, लाजवाब। बट फ़ोन को खोलने के पहले आपको दिखा देता हूँ इतना बड़ा सा चार्जर। हमारे घर में ऑलरेडी 5-6 चार्जर है, तो ये चार्जर एक और एक्स्ट्रा आ गया है हमारे फैमिली में। और ये आपका, जो कि मेरे को बहुत ही ज़रूरत था ये वाले चीज़ का, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, आपको मालूम है मेरे टाटा एल्ट्रोस का आपने वीडियो देखा, वहाँ पे दिक्कत होता है कि हमें ओरिजिनल USB केबल चाहिए होता है, जो कि हमें मिल चुका है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो फ़ोन को खोलते हैं। रियलमी 9i, वाओ मैन, फ़ोन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो ये है फ़ोन, और ये फ़ोन है अभी का 2022 का, अभी फ़िलहाल में लॉन्च हुआ है। और ये फ़ोन है हमारा 3 साल पहले का। तो ये दोनों फ़ोन में कोई अंतर लग रहा है यार आपको, देखो कोई अंतर लग रहा है। ये Redmi Note 7 Pro है और ये Realme 9i है, बट हाँ ऑन करने के बाद मे भी डिफरेंस पता चले। यहाँ पे आपका पावर बटन इधर दिया है ये Redmi Note 7 Pro पे, अप डाउन का इधर दिया हुआ है वॉल्यूम का, यहाँ पे लेफ्ट में दिया हुआ है और यहाँ पे राइट की तरफ पावर बटन दिया हुआ है। ये बैक साइड का लुक देखो यार, बैक साइड का लुक मैं आपको दिखाना कैसे भूल गया यार, ये देख लो आप,
टावर दिख रहा है बट चलेगा, ठीक ठाक है, कैमरा मॉड्यूल अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक है। अभी जो रियलमी 9 प्रो लॉन्च हुआ है ना, रियलमी 9 प्रो और रियलमी 9i का लुक एकदम सिमिलर है भाई, पूरा का पूरा। तो अगर मेरे को अच्छा लगेगा ना ये वाला फ़ोन, वैसे तो मेरा ही है, मेरी वाइफ का मेरा एक ही है, वो फ़ोन ज़्यादा चलाती नहीं है। मतलब ये सोचो अभी वो अपने मायके में है, मायके ही बोलता है ना, मायके हुआ ससुराल हुआ मायके, तो मायके में है और उसका फ़ोन मेरे पास था जो मैंने अभी एक्सचेंज करवा दिया, तो बिना फ़ोन का है वो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होता उसको। तो भाई समझ जाओ आप, अभी पबजी वबजी दबा के खेलेंगे भाई इसमें और क्या। तो ऑन करते हैं, चलो ऊपर कोई पॉलीथीन टाइप का लगा हुआ दिख रहा है मेरे को यार, यहाँ तो टेम्पर्ड ग्लास लगा है यार, ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, अच्छी बात है। तो ऑन करते हैं, तो ये है भाई, मेरी वाइफ भी अगर देख रही होगी वीडियो, देखेगी क्यों नहीं देखेगी, तो देख लो यही है तुम्हारा न्यू फोन आ गया, इतना बड़ा फोन, काफी बड़ा यार, साइज में तो नहीं बड़ा तो नहीं है, उतना ही है। Redmi Note 7 Pro और ये दोनों का साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट अगर मैं ये वाले फ़ोन को ऑन करूँ ना तो ये देखो लग रहा है कि आपको दोनों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, दोनों सिमिलर ही लग रहा है ना। मेरे को मेन क्या ना, इसका UI देखना है, जो UI 2.0 या 3.0 अभी दिया है मेरे को लगता है, मेरे को Realme के UI को ना पूरा अंदर से जानना है कि है क्या चीज़, सही लगता है कि गलत, क्योंकि मेरे को MI UI बहुत पसंद है, ठीक है। Realme का UI के बारे में मेरे को ज़्यादा क्या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं वही देखूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे अंदर घुस के पूरा जाँच करूँगा, और अगर अच्छा लगेगा तो मैं भी Realme का एक न्यू फ़ोन ले लूँगा, अगर नहीं लगेगा तो मैं OnePlus में जाऊँगा, या अभी मैं सुनने में आ रहा है Redmi K50 आने वाला है, और K50 भाई आपको मालूम है K20 तो इतना ताबड़तोड़ फ़ोन है कि अभी भी लोग उसको ख़रीदते हैं, तो K50 तो समझ जाओ आप, ताबड़तोड़ भाई, ताबड़तोड़ वर्ड भी कम पड़ जाएगा, इतना बढ़िया फ़ोन होगा वो। तो ये देख लो हो चुका है फ़ोन, कैमरा का क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ पहले, ये है कैमरे का क्वालिटी आप देख लो, फोटो उठा के दिखा देता हूँ, कितने फटाफट फोटो होता है ना वो दिखाता हूँ आपको। थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा डिले चलेगा यार, फिर भी चलेगा, क्योंकि एक एक फोटो का अगर मैं साइज आपको दिखाऊँ ना, तो एक एक फोटो का साइज 3 MB का है, डायमेंशन आप देख लो 3000x4080, तो काफ़ी अच्छा है यार, ठीक है ना। तो कैमरे के मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सब चीज़ के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ऑडियो क्वालिटी हो गए, गेमिंग के परफॉर्मेंस हो गए, इस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं, बाकी कलर कैसा लगा वो मेरे को बता देना, और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो ये आज का वीडियो एक्सचेंज के ऊपर था मेन ब्लॉग, और आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा डेली ब्लॉग है, अभी तो भाई दिन का शुरुआत हुआ है, अभी टाइम कितना हुआ है, 12:55 हुआ है, यहाँ पे 12:02 हुआ है, तो अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो।